अभया को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क पर है और हमारे साथ ओमनी मित्रा पाल जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं। सबसे पहला सवाल है मैडम कि ममता बनर्जी पर आप लोग लगातार हमला कर रहे हैं, कहां चूक हो गई इस पूरे सिस्टम को समझने में? ममता बनर्जी को हमला कर रहे, अटैक कर रहे, ऐसा वैसा नहीं, हम लोग पागल नहीं हो गए। ममता बनर्जी आज एक व्यर्थ मुख्यमंत्री है। हर दिन बंगाल में कोई ना कोई महिला का आक्रमण हो रहा है, धर्षण हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, विवस्त्र करके गांव में घुमाया जा रहा है। कोई जस्टिस नहीं, कोई विचार नहीं, कोई शास्ति नहीं, कोई एफआईआर नहीं। और ये तो अभया केस में तो हद कर दिया। मुख्यमंत्री पहले से ये केस को सप्रेस करने का कोशिश किया है। वो बोल रहे हम झाड़ग्राम से आ रहे थे 9 तारीख, हम कंटिन्यूसली विनीत गोयल के साथ बात करते करते सारा कुछ देखते देखते हम आ रहे थे। आप इतना कुछ देख रहे, आप बोले नहीं विनीत गोयल को कि 6 बजे के बाद क्यों पोस्टमार्टम होगा, क्यों बॉडी को प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, क्यों जल्दबाजी में बॉडी को क्रिमेशन कर दिया गया, क्यों अभया का पिताजी माताजी को पैसा दिया गया मुंह बंद करने के लिए, क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट का टाइम और क्रिमेशन रिपोर्ट का टाइम मैच नहीं कर रहे, क्यों यूडी केस किया गया, अनआइडेंटिफाइड बॉडी, अनआइडेंटिफाइड। एक डॉक्टर जो 36 घंटा से ड्यूटी करे वो अनआइडेंटिफाइड केस, क्यों डॉक्टर संदीप घोष को प्रोटेक्ट कर रहे, क्यों? आपका क्या इसमें क्या है? आप उसको शास्ति क्यों नहीं दिए? और आज से नहीं, कितना सालों से उनके ऊपर आरोप है। ममता बनर्जी को सब कुछ मालूम है, ये केस में ममता बनर्जी आरोपी है, उनको अदालत, उनको सीबीआई ये इंटरोगेशन करे, अरेस्ट करके इंटरोगेशन करे। सवाल है कि पुलिस ने वो काम नहीं किया क्या जो करना चाहिए था, क्योंकि खासकर सबूतों के साथ कहा जा रहा है कि काफी छेड़छाड़ हुई, आप इसमें क्या कहेंगे? कंप्लीटली छेड़छाड़ हुई, पहले दिन से हम लोग को मालूम था, हम उस दिन थे, रात को सारा दिन थे हम उधर। आज आरजी कौर का डॉक्टर लोग डर रहे सामने आने से, वो लोग हम लोग को बोल रहे कि आज जो जगह में बॉडी पाया गया वो असल जगह नहीं है, जगह दूसरा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये डॉक्टर लोग बोल रहे, ये सीबीआई बोल रहे अदालत को। तो हम क्या ये सोचे कि जो डॉक्टर संदीप घोष 10 तारीख ऑर्डर दिए पीडब्ल्यूडी को भांगचोर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वही एक्चुअली असल क्राइम सीन है, ये हो सकता है? तो क्या सबूत मिलेगा? अभी ममता बनर्जी बोले हमको जस्टिस चाहिए, हमको फांसी चाहिए, 18 दिन हो गया सीबीआई कुछ नहीं कर रहे। आप तो एक नंबर का चालू चीज है, सारे खत्म कर दिया सबूत, और अभी बोल रहे सीबीआई क्यों नहीं कर रहे, कहां से करेगा? कोई सबूत है जो करेगा? बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये धरना होगा, या जो 7 दिन की आपकी डेडलाइन थी कि 7 दिन आपको करना है उतने ही दिन तक हो? देखिए हमारा आंदोलन चलता रहेगा, आज अवसन विक्षोभ हो कि रास्ते में रैली हो कि मोमबत्ती मिचिल हो कि वुमेन्स कमीशन घेराव हो, किसी ना किसी तरह से हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक मुख्यमंत्री आप रिजिग्नेशन नहीं देते, पदत्याग नहीं करते। लगातार आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री पर, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन के लिए आप लोग सिफारिश करते हैं? हम इंडिविजुअली बोल सकते हैं, लेकिन ये पार्टी का डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है। हम एक महिला होके हम बोल सकते हैं कि मुझे, मेरा कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई महिला का सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुरुष का सिक्योरिटी नहीं है, हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए, हम अपने से बोल सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन हमारे सीनियर नेतृत्व को लेना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना होगा, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को लेना होगा, क्योंकि ये तो हद हो गया, हद। अंतिम सवाल यही है कि क्या बंगाल में सच में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? देखिए हर सुबह आज मुख्यमंत्री महिला होकर भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे, 2 दिन पहले आज बोलिए हॉस्पिटल में एक बच्चा 13 साल का सिटी स्कैन रूम में उनको लिया गया,
वहां पर उनका माताजी या रिलेटिव को घुसने नहीं दिया और वहां का टेक्नीशियन उसको मोलेस्ट किया, आप क्या बोलेंगे? बीरभूम में एक गृहवधु को उनका वहां का टीएमसी का नेता धर्षण करके बंदूक का जो नल है उनका जौनांग में घुसा दिया, आप क्या कहेंगे? चार दिन पहले कलकत्ता में आनंदपुर में एक महिला का पूरा माने मर गया, उनका देह मिला है। हर दिन इसमें कोई विचार नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, ऐसा ही चलता जाएगा? वो बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा घटना, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और ऐसा ही चलता जाएगा? ये नहीं चलेगा। बंगाल में घुसपैठ भी एक बड़ा इशू है, बांग्लादेशी घुसपैठ का, इस पर आप कुछ कहेंगे? घुसपैठ है और ये घुसपैठ को घुसा रहे मुख्यमंत्री अपने, क्योंकि ये घुसपैठिया वो है तृणमूल के वोट बैंक। आज पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान लोग हैं, जिनका जन्म इधर हुआ है, उनसे मेरा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग बांग्लादेश से रोहिंगा लोग बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर जो घुस रहे, ये क्या धर्मशाला है कि कोई भी आ जाए, रह जाओ रह जाओ, वोटर कार्ड तुमको दे रहे हैं, आधार कार्ड तुमको दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, घर दे रहे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरीके का आरोप भी लगा रहे हैं कि आप मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं, आपके ही नेता ने एक ट्वीट किया है, तो मिनी पाकिस्तान तो हो रहे है। आज अगर रोहिंगा लोग और बांग्लादेशी अगर घुसेगा, आप जाइए आप देखिए कलकत्ता शहर को देखिए, मिनी पाकिस्तान ही हो गया है, सिर्फ कलकत्ता नहीं, सारे बंगाल जगह जगह में आज डेमोग्राफी चेंज हो गया है, जो जनोबीन नाश है वो चेंज हो गया, डेमोग्राफी कंप्लीटली चेंज हो जा रहे, और अभी अगर एक्शन नहीं होगा तो आप लोग वेट करिए, पश्चिम बंगाल भारत के अंतर्गत नहीं रहेगा, कुछ ही दिनों में वो दूसरे कोई देश का अंतर्गत। बहुत बड़ा बयान है आपका। और हम लोग बयान नहीं, हम लोग भुक्तभोगी है। आज बंगाल में भारत का संविधान नहीं चलता है, ममता बनर्जी का संविधान चलता है। आज भारत में भारतीय न्याय संहिता चलता है, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता नहीं चलता है, इसलिए कल विधानसभा में मुख्यमंत्री दूसरा आईन लेकर आ रहे ताकि फांसी हो। क्यों? बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता सारे भारत में चल रहे है, फांसी का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, और आप दूसरा नियम कर रहे, तो हम यही बोल रहे हैं कि ऐसा अगर चलेगा, मिनी पाकिस्तान हो रहे, मुख्यमंत्री ये मिनी पाकिस्तान का लोगों को लेकर माने हर एक इलेक्शन में दो नंबरी करके जीत रहे, और आगामी दिन में अगर इसका एक्शन आप लोग नहीं लेंगे तो आप लोग वेट करिए, पश्चिम बंगाल भारत से अलग होकर ममता बनर्जी दूसरे कोई देश बनाएंगे और वहां का प्रधानमंत्री होने का जो सपना देखते हैं वो करेंगे। शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की, तो ये थी जो आप साफ साफ कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल को कानून व्यवस्था पर नजर नहीं डाली गई तो भारत के अंतर्गत नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।